तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं जेसीबी किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे जितने भी हेल्पर भाई सीखने वाले रहते हैं उनको नहीं नॉलेज रहता है, और जितने मशीन सीखने वाले जाते हैं मशीन सीखने के लिए तो उनको मशीन ऑपरेटर देते नहीं, जल्दी उनको देते नहीं है। तो जो कि हमारा वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहता है, जितने भी हमारे हेल्पर भाई रहते हैं उनके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बना देता हूं कि सभी चीज़ जो जितना पार्ट होता है जेसीबी का, सभी पार्ट मैं आपको दिखाता रहता हूँ किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है। अगर हमारी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करके दिखाते हैं जेसीबी किस तरीके से स्टार्ट करना है, और जितने भी हमारे हेल्पर भाई हैं उनके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से जेसीबी हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जेसीबी हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चाबी लगी हुई है, जो कि हमारे कितने भाई चाबी नहीं सीधा लगा पाते हैं, कितने लोग इस तरीके से लगाते हैं। तो इस तरीके से नहीं लगाना, इस तरीके से हमको चाबी लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी लिखी हुई है, और इस तरीके से हमको चाबी इसमें लगा देना है। इस तरीके से लगा हुआ था, इस तरीके से आपको लगा देना है, और लगाने के बाद आपको एक राउंड करना है, पूरा जितना घूम जाता है चाबी उतना हम करना है, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे हेल्पर भाई नहीं मालूम है उनको ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं इस तरीके के स्टार्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जेसीबी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जो कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि चाबी जो हम घुमाए हैं वहाँ से तुरंत हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी आपको बंद किस तरीके से करना है ये भी देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हम बंद करेंगे, बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसी तरीके से स्टार्ट करना है, और इसी तरीके से हमारा चाबी यहाँ पे फिर पीछे हम कर देंगे जिस तरीके से किए हैं, वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।